असलम डी ए लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो इन वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द बिज़नेस यानी हम बात करेंगे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस हम उम्मीद रखते हैं कि आपने अपना कारोबार शुरू किया है और कारोबार शुरू करने के बाद आपने अच्छे रेवन्यूज़ अर्न करना शुरू कर दिए हैं प्रोडक्ट आपकी बिकनी शुरू हो गई है ब्रांड नेम आपका मार्केट हो गया है और इन कामयाबियों के बाद अब आप सोच रहे हैं कि आपके बिज़नेस को अब बढ़ना चाहिए एक्सपैंड होना चाहिए और यही एजेंडा है इस वीडियो का uh, हम आपको ग्रोथ रिलेटेड इशूज़ में चंद एक चीज़ों से फेमिलराइज करवाना चाह रहे हैं सेंसिटाइज करवाना चाह रहे हैं ताकि जब आप ग्रोथ रिलेटेड डिसीजन ले रहे हों तो आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें एजेंडा इस वीडियो का यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिड्रेशन है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ऑनटरपिनोरियल रिसोर्सेज के हवाले से इन तीनों चीजों को आपने सीरियसली कॉन्सिडर करना है वेन यू आर प्लानिंग फॉर योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस सबसे पहले बात करते हैं कि जी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता क्या है इफ यू लुक एट द डेफिनेशन द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल रेफर टू द एवोल्यूशन ऑफ एन इंडस्ट्री थ्रू फाइव स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स कॉमनली डिस्प्लेड इन द ईच फेज एंड दो स्ेज आर इंट्रोडक्शन ग्रोथ शेक आउट मेचोरिटी एंड डिक्लाइन यानी जब भी कोई इंडस्ट्री इस्टबलिश होती है तो इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली इस्टैब्लिश होना शुरू होती है फिर वो इवॉल्व करती है फिर उसके अंदर मुख्त और इन्वेस्टर्स आते हैं और वो इंडस्ट्री uh, जो है वो अपना सफ़र तय करते हुए बाजुकात uh, एक ऐसे मकाम तक पहुंचती है जिसमें इंडस्ट्री अपनी पीक के ऊपर होती है कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होता है हर कोई इसी इंडस्ट्री के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है बिकॉज इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही होती है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ग़ायब होना शुरू हो जाती है उसके मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं uh, एक रीज़न ये भी हो सकती है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया कस्टमर की चॉइस में चेंज आ गया जिस तरह पहले आपने देखे uh, होंगे कि कैमराज uh, होते थे जिसमें रील डाली जाती थी और हम एक रील बाई करते थे और उसके उस कैमरा के अंदर डालते थे और फिर उसके बाद उसके अंदर से थर्टी सिक्स पिक्चर्स निकला करती थी Uh, ये वो इंडस्ट्री थी कि जो अपने टाइम एंड स्पेस के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी वो एक इवॉल्व हुई इवॉल्व होने के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आई बहुत सी कंपनीज़ जो हैं उनके नाम नामों से आप शायद वाकिफ हों और उन कंपनीज़ ने कैमराज और रील्स अपने लॉन्च किए वही मेन ब्रांड्स थे बट स्लोली एंड ग्रैजुअली चूँकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गई बहुत ज़्यादा डिजिटल कैमराज आ गए सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंडस्ट्री जो है वो फेड आउट हो गई ये आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है कि आप जिस भी आइडिया को लेकर आ रहे हैं वो आइडिया ऑब्वियसली किसी न किसी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा होगा ना आप किसी न किसी इंडस्ट्री में जाकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे आपने ये ज़रूर देखना है कि इन फाइव स्टेज में जो हमने आपको बताई हैं आपकी इंडस्ट्री किस स्टेज में है ऐसा ना हो कि आप वो आइडिया लेकर आ रहे हों किसी ऐसी इंडस्ट्री में एंट एंटर होना चाह रहे हों जो इंडस्ट्री वैसे ही अपनी मेचोरिटी पर हो और कुछ अर्से के बाद वो डिक्लाइन स्टेज के ऊपर जा रहे हो सो अगेन इंडस्ट्री को मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है और कैसे फेड आउट होती है डिपेंड कर रहा होता है मार्केट साइज पे डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशनस पे डिपेंड कर रहा होता है कंज्यूमर की डिमांड पर बाजार डिमांड ही चेंज हो जाती है सो so, इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ जाती है और बाजार डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना है सो इफ़ यू लुक एट द इमेज ऑन द स्क्रीन तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एक तो ये कि इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी इंडस्ट्री शुरू हो रही है आपने इर्द के नज़र दौड़ाई है तो आपको बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज नज़र आएंगी जिनमें सर्विस इंडस्ट्रीज ज़्यादा है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली इमर्ज हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वजह कुछ भी हो सकती है जिसमें एक सबसे बड़ी वजह तो हमारे पास आई रेवोल्यूशन है ये जो डॉट कॉम रेवोल्यूशन या आईटी टी रेवोल्यूशन या अब अब के दौर में आप मशीन रेवोल्यूशन कह लें कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं गवर्नमेंट ने आज ही शॉप प्लास्टिक शॉपर से बैन लगाया तो पता चला वो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी काम कर रही थी उस बैन की वजह से वो इंडस्ट्री फिलफॉर डिक्लाइन की तरफ आ गई है और गवर्नमेंट ने कहा है कि जी कुछ ऐसे पेपर बैग्स बनाए जाएं जो जल्दी डिजोल्व हो जाएं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों तो uh, एकदम से जो दूसरी इंडस्ट्री है जिसको हम पेपर इंडस्ट्री कहते हैं या आ, ऐसी जिसे कहते हैं बायो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऐसा केमिकल प्रोवाइड कर सकें जो इनको जल्दी डिजोल्व करवा सकें तो एकदम से वो इंडस्ट्री इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं कोई भी वजह हो आपका आइडिया जिस भी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है वो इंडस्ट्री किसी ना किसी पॉइंट पे होगी सो so, अगर इनिशियली आपकी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है तो योर आइडिया इज़ अ गुड आइडिया आप उस इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन करें उसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होंगे आपको बहुत ज़्यादा शायद गाइडलाइंस ना मिलें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है आपका बिजनेस वेंचर क्या है आप अगर शुरू करना चाहें उसकी इनिशियल स्टेज के ऊपर उसके बाद आती है ग्रोइंग स्टेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटर होते हैं ऑनटरपिन बिकॉज जो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है जब वो अपने इनिशियल फ़ेज़ में सस्टेन कर जाए और वो ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वहाँ पे फिर कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है वहाँ फिर बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने ऑनलाइन जाके चीज़ें बेचना शुरू की फेसबुक पे पे अपना पेज बना के और चूँकि रिजल्ट वर गुड अब इस वक्त थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आर अवेलेबल हु आर सेलिंग देयर जो है वो सर्विसेज लाइकवाइज जिस तरह हमने ज्वाइन करवाया था� एक ऑनटरप्रोर को शी इज़ अ होम बेकर तो होम बेकिंग जो है ना घर की पकी हुई चीज घर की बनाई हुई चीज़ घर की बेक की हुई चीज बेकरी होम बेकरी उसका कॉन्सेप्ट आया तो इतना क्लिक किया कि अब बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा खातन जो कि बहुत अच्छी कुक थी दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसिस फ्राम देयर होम सो दिस इज अ ग्रोइंग स्टेज कॉम्पटिशन कब बढ़ जाता है जब कोई भी जो स्टेज है वो मेचोरिटी की तरफ चली जाए मेचोरिटी के ऊपर अगर आप जाके किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें आपको बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है आपकी एंट्री बिल्कुल भी आसान नहीं होगी लो बहुत प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट होगा टर्बुलेंट इन्वायरमेंट होगा क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऑन्ट्रपिनस का रश लगा हुआ है और किसी ऐसी स्टेज पे इंडस्ट्री को मत ज्वाइन कीजिएगा कि जिसमें इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन फेज में जा रही हो और आप उस इंडस्ट्री को तब जॉइन कर रहे हो जबकि वो डिक्लाइन स्टेज के ऊपर हो सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रोथ मेक इट श्योर कि एट वट ग्रोथ स्टेज योर इंडस्ट्री इज़ लाइक वाइज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छा जिस तरह हमारा लाइफ साइकिल है जिस तरह इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल है इस तरह प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल है जो भी अगेन उसी तरह इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेचोरिटी एंड डिक्लाइन प्रोडक्ट्स भी पहली दफ़ा मार्केट में इंट्रोड्यूस मोबाइल भी पहली दफ़ा आए थे पॉइंटर्स भी पहली दफ़ा आए थे डिजिटल कैमराज भी पहली दफ़ा आए थे फिर स्लोल स्मार्टफोन भी पहली दफ़ा आए थे फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो स्मार्टफोन वो उनकी मार्केट डेवलप होना शुरू हुई उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई नए नए फीचर्स आए अब वो ग्रोइंग स्टेज uh, के ऊपर हैं अब स्मार्टफोन्स जो हैं वो अपनी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं कि जिसमें अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ताकि उस मेच्योरिटी स्टेज को रोका जा सके और वो अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर ही रहे मेचोरिटी uh, के ऊपर जब प्रोडक्ट पहुँच जाती है तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें कस्टमर्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं बहुत से ऑन्टरप्रीन में काम कर रहे हैं आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो एरिया सस्टेन कर रहे होते हैं अपना वो पीरियड सस्टेन कर रहे होते हैं अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट डिक्लाइन प्रोडक्ट डिक्लाइन का मतलब ये है कि अब दिस प्रोडक्ट इज नो मोर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर वजह अगेन कोई भी हो सकती है जिस तरह मैंने आपको बताया प्लास्टिक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल अच्छा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग के अंदर किताबों में बहुत ज़्यादा इसलिए मिलती है बिकॉज आपने डिसीजन करना है नंबर एक डिपेंड कर रहा होगा अगर आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज के ऊपर है क्या वो प्रोडक्ट इतनी नई है कि आप वो पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट में बिकना शुरू हुए है या प्रोडक्ट हर कोई बेच रहा है या प्रोडक्ट अब बिक ही नहीं रही है यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर आप आपका आइडिया आपके प्रोडक्ट कहाँ पर है क्योंकि आपने नंबर एक फैसला करना है कि आपने एडवर्टाइजिंग उस प्रोडक्ट की कितनी करनी है इनिशियली जैसे इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है या ग्रोथ स्टेज होती है उस पर आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं बिकॉज लोगों को अभी आपका मालूम नहीं होता मेचोरिटी पे लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें प्राइस आपने कब रिड्यूस करनी है क्या इंट्रोडक्शन के ऊपर रिड्यूस करनी है या मचोरिटी के ऊपर चूंकि मार्केट शेयर सस्टेन करना होता है तो यूजअली आप बहुत डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं आपने अगर बहुत सी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में होता है उनकी वो अपनी एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी एक रीजन के अंदर जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो जिस तरह मिसाल के तौर पर अमेरिका अमेरिका में वो प्रोडक्ट गई वो इंट्रोडक्टिव स्टेज पे गई ग्रोथ स्टेज पे गई मेचोरिटी पर अगर आने ही लगी है तो एक से दो साल के गैप से सेम प्रोडक्ट को वो एशिया में लॉन्च कर लेते हैं बिकॉज एशिया टेक्नोलॉजिकली कुछ साल पीछे है अमेरिका से सो so उनकी वही प्रोडक्ट जो कहीं ग्रोथ या मेचोरिटी के ऊपर होती है वो एशिया के अंदर इंट्रोडक्टरी फेज में एंटर हो जाती है कंपनीज़ अर्निंग रेवेन्यू सो क्या आपने अपनी प्रोडक्ट को डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल किसी नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है या आपने अपने पैकेज को रीडिजाइन करवाना है अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है या जो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल है इसको आपने ग्रोथ स्टेज के साथ साथ जहाँ मेंटेन करना है हैं वहाँ पर आपने ऑनटरपेनोरियल रिसोर्स भी चाहे वो टेंड्रबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो आप यही मोबिलाइज कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑन्टपेन्योरियल रिसोर्स में आई बी वेरी क्विक बिकॉज इनके बारे में हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं आपकी ऑन्टपनीोरियल इंट्यूशन भी आपका रिसोर्स है आपकी नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन भी आपका रिसोर्स है आपका ब्रांड आपका बिजनेस आइडेंटिटी आपका रिसोर्स है आपकी अच्छी टीम आपका बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके अच्छे फाइनेंस आपका रिसोर्स है आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी आपका रिसोर्स है आपके कस्टमर आपका रिसोर्स है आपका अच्छा नेटवर्क आपका रिसोर्स है ये सारे रिसोर्स आपको हेल्प करेंगे और होने भी चाहिए आपके पास जब आप प्लान कर रहे होंगे आपने ग्रो करना है कंक्लूजन ये रिसोर्सेज आपको मुख्तफ स्टेज के ऊपर काम आएंगे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है सी इन द नेक्स्ट वीडियो